विश्व में चल रहे युद्धों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल देशों के बयानों को देखें तो एक बड़ी समानता नजर आ रही है। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी और रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाकोव ने चेतावनी दी है कि अभी रूस ने अपनी परमाणु नीति नहीं बदली है, यानी उनका कहना है कि रूस जरूरत पड़ने पर परमाणु हमला कर सकता है। दूसरी तरफ इसराइल हमास जंग में हमास के समर्थक ईरान ने चेतावनी दे दी है कि इसराइल ने ईरान के अस्तित्व को खतरे में डाला तो उसके पास परमाणु बम बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खुमेनी के सलाहकार कमल खर्राजी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि परमाणु बम बनाने का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर ईरान के अस्तित्व को खतरा होता है तो हमारे पास सैन्य सिद्धांत या कहें कि परमाणु सिद्धांत बदलने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। ईरान के स्टूडेंट न्यूज नेटवर्क ने खर्राजी के हवाले से कहा कि इजरायली शासन द्वारा हमारी परमाणु सुविधाओं पर हमला किया जाता है तो इस स्थिति में हमारी प्रतिरोधक क्षमता बदल जाएगी। आपको बता दें कि खुमेनी ने 2000 के दशक की शुरुआत में एक फतवा या धार्मिक आदेश जारी कर परमाणु हथियारों के डेवलपमेंट पर यह कहते हुए रोक लगा दिया था कि ये हराम है, इस्लाम में ये निषिद्ध है। हालांकि वर्ष 2021 में ईरान के तत्कालीन खुफिया मंत्री ने कहा था कि पश्चिमी दबाव इस्लामी गणतंत्र यानी ईरान को परमाणु हथियार तलाशने के लिए प्रेरित कर सकता है। दरअसल ईरान अभी यूरेनियम को 60% तक शुद्ध कर रहा है, जबकि परमाणु हथियारों के लिए लगभग 90% तक शुद्ध यूरेनियम इस्तेमाल होता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के पैमाने के अनुसार यदि मौजूदा परमाणु सामग्री को और अधिक शुद्ध किया जाता है तो ये दो परमाणु हथियारों के लिए पर्याप्त होगी। आपको बता दें कि सीधा युद्ध इजराइल और हमास के बीच है, लेकिन हमास को ईरान का समर्थन प्राप्त होने से इजराइल और ईरान भी एक दूसरे के दुश्मन है। 2 अप्रैल में सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के दूतावास परिसर पर एक संदिग्ध इजरायली हमले के बाद ईरान और इजराइल के बीच अप्रत्यक्ष युद्ध खुले टकराव में बदल गया। इसमें ईरान सेना के महत्वपूर्ण अधिकारियों सहित ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के 7 सदस्य मारे गए थे। इसके जवाब में ईरान ने इसराइल के खिलाफ लगभग 300 मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए थे।